हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो कि रहेगा वाटर के ऊपर। आई होप आपने पहले तीनों जो टॉपिक्स है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। सो आज हम क्लियर करेंगे वाटर टॉपिक स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं सिलेबस के साथ भी। सो वाटर रिसोर्सेस यानी जहां से आपको पानी मिलता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला तो फ्रेश वाटर और दूसरा सॉल्टी वाटर। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, सॉल्टी वाटर को हम ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं और मरीन वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, सो ब्रैकिश और मरीन दोनों ही करेक्ट होंगे। अगर मैं बात करूँ फ्रेश वाटर की, तो जो नदियां होती हैं, रिवर्स, ग्लेशियर्स, इनमें फ्रेश पानी रहता है, पॉन्ड्स, लेक्स, राइट, और इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बट जो सॉल्टी वाटर होता है दैट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि वो पानी इतना ज्यादा खारा होता है यानी इतना ज्यादा नमकीन होता है कि वो आप नहीं ड्रिंक कर सकते, चाहे आप कितनी भी फिल्ट्रेशन क्यों ही ना कर ले। अब वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है कि वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता ही है वाटर को हम बोलते हैं H2O, राइट? सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स वाटर। अब बात करते हैं वाटर की, तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में आइस, लिक्विड स्टेट में वाटर, गैस स्टेट में स्टीम। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी उसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहती है, और कूलिंग जब होती है तो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी ठंडा हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है, राइट? जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से पानी गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो लिक्विड बनेगा। फिर और आप हीट दे देंगे उसको तो वो स्टीम बन जाएगी। अगर आप स्टीम को कूल करेंगे तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली लिक्विड। और फिर लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या बनेगी? आइस, विच इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जब आप सॉलिड से लिक्विड यानी सॉरी जब आप स्टीम से लिक्विड यानी वेपर से लिक्विड में जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इस यही प्रोसेस आपका बारिश आते हुए में भी, बारिश में भी यूज होता है, राइट? अब बात करते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज की। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आप कोई भी चीज इसमें डिजोल्व कर सकते हो, राइट? इट हैज अ प्रॉपर्टी टू डिजोल्व। ठीक है, और जो थिंग्स हैं दैट हैव डेंसिटी मोर देन वाटर, जो डेंसर है, गाड़ी है पानी से ज्यादा, वो उस पे हमेशा फ्लोट करेंगी। ठीक है, जैसे वुडन बोट हो गया, आयरन शिप है, हैवी है, राइट? बट पानी कितना होना चाहिए? उसकी वेट से, वुडन बोट के वेट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तभी वुडन बोट उसके ऊपर फ्लोट करेगी। आयरन शिप जो होना चाहिए उसकी डेंसिटी हैवी होनी चाहिए और वाटर की डेंसिटी कम होनी चाहिए, तभी वो फ्लोट करेगी, राइट? क्योंकि हल्की चीजें ही हमेशा फ्लोट करती हैं। वेयरएज बाउल फिल्ड विद पेबल्स, अगर हम बात करें, जो बाउल है पेबल्स से फिल्ड, वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि जो पेबल्स का वेट होगा वो ज्यादा होगा, यानी पत्थरों का वेट ज्यादा होगा। इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं वाटरबोर्न डिजीजेस पे। तो वाटरबॉर्न डिजीजेस वो डिजीजेस होती है जो पानी से होती है, गंदे पानी को कंज्यूम करने से, इन्फेक्टेड वाटर को, राइट? वॉशिंग, बेदिंग, उनसे नहाने से स्किन डैमेज हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। और अगर आपके आसपास के एरिया में पानी इकट्ठा है तो उसमें मॉस्किटो ब्रीड करने का भी डेंजर है, जिससे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। याद रखिएगा, मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, और डेंगू जो रहता है वो एडीज मॉस्किटो से रहता है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रीटिंग। तो अब आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे, राइट? ट्रीटिंग द वाटर इज ओनली इफेक्टिव वे। तो आप बॉइल करके पियेंगे पानी, राइट, जो आपके घर में आ रहा है, या फिल्टर कर सकते हैं, राइट? ताकि आपको ये सारी जो डेंजरस डिजीजेज है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायरिया, ये ना हो। हेपेटाइटिस बेसिकली लिवर को अटैक करता है, जॉन्डिस होता है पीलिया, और डायरिया में लूज मोशन रहते हैं, राइट? ये सारी डिजीजेस गंदे पानी को पीने से हो सकती हैं। और ब्रीडिंग को हम प्रिवेंट करेंगे कि ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज को हम प्रिवेंट करेंगे कैसे? पानी आसपास के एरिया में क्लीन कर सकते हैं और अपने घर में मॉस्किटो नेट्स भी यूज कर सकते हैं। वाटरबॉर्न डिजीजेस में जो मॉस्किटोज है वो, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिजीजेस को फैलाने का, राइट? वो एक तरीके से वैक्टर का काम कर रहे हैं। बट अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया सबसे ज्यादा रेन और ह्यूमिड टाइम पे फैला जाता है, क्योंकि पानी इकट्ठा उसी टाइम पर होता है, मॉनसून सीजन में। तो साइंटिस्ट ने जो साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रॉस,
उन्होंने मलेरिया के ऊपर बताया था कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो से होता है। अभी मैंने लास्ट में बताया आपको एनाफिलीस, फीमेल एनाफिलीस। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो मेल मॉस्किटोज होते हैं ना वो कभी भी ब्लड सक नहीं करते, वो प्लांट का सैप सक करते हैं, राइट? वो प्लांट का सैप सक करते हैं, प्लांट में जो लिक्विड होता है वो सक करते हैं। सो फीमेल मॉस्किटोज ही जनरली क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने एग्स ले करने होते हैं, राइट? और एग्स को नरिशमेंट देना होता है। अगर किसी को मलेरिया होता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी शिवर करती है, कपकपाती है, फॉलोड बाय स्वेटिंग, पसीना आता है। और ये जो पैरासाइट होता है बेसिकली प्रोटोजोआ फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो के सलाइवा में रहता है। वो जैसे ही आपके ब्लड में जाएगा, जैसे ही एनोफिलीस मॉस्किटो ब्लड सक करेगी और प्रोटोजोआ यानी पैरासाइट को आपकी बॉडी के ब्लड में भेज देगी, तो वो आपके रेड ब्लड सेल को अटैक करेंगे। और एक ट्री है विच इज किनकोना ट्री, इसकी बार्क यानी जो इसकी इसका जो तना है, इसकी जो चमड़ी है, वो यूज की जाती है एज अ मेडिसिन, राइट, फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। एज अ ड्राइड पाउडर ये दिया जाता है मलेरियल पेशेंट को। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर।